जैसे मैंने बोला, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो पहले हम कुछ कर लेते जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि काफ़ी अनस्किल्ड वर्कर्स है ना, वो कम जो फैक्ट्रीज के पास है, फैक्ट्रीज के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके पास कोई वैकेंसी है क्या, कोई कुछ जगह खाली है क्या। उनको इतना वो दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, सो व्हाट दे डू इज टू गो इन द फैक्ट्रीज एंड आस्क वेदर देर इज जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी लाइक क्यों, लेबर का काम है, कुछ कोई लेबर नहीं आया तो आपने दिहाड़ी पे काम पे दे दिया, वन डे पेमेंट, वन डे वेज पेमेंट। सो दैट्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज बुदल वर्कर्स, उनको बुदल वर्कर्स भी बोला जाता है। एंड इसको एक और नाम से बोला जाता है, फैक्ट्री गेट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फैक्ट्री गेट। आपके पास एक वर्कर आया, आपको लेबर वाला काम चाहिए, यू नो डोंट नीड कि कोई कंप्यूटर पे काम देखना है या फिर कुछ टेक्निकल काम करना है, वो नहीं, कुछ लेबर का वाला काम करना है। आपने बोला ठीक है ये इसके लिए चाहिए और आप उन्होंने काम करा, आपने उनकी पेमेंट कर दी, तो दिस इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में वॉट यूजली हैपन्स इज इन योर ऑर्गेनाइजेशन मेनी पीपल अप फ्रंट अप्लाई फॉर द जॉब्स। वो अप्लाई करते हैं, खुद ही सीवी सेंड कर देते हैं और उनको अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स या कैजुअल कॉलर बोला जाता है। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ मैन पावर। लेट सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी वैकेंसी नहीं है, बट कल को वैकेंसीज आ जाती है, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो, इफ यू आर फ्री, इफ यू डू वांट टू वर्क विद अस, नाउ इज द बेस्ट चांस, राइट? सो दिस इज कैजुअल कॉलर। ये सेकेंड एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सोर्स है रिक्रूटमेंट का, एडवर्टाइजिंग। तो आपने आपको पता होगा कि एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी फेमस पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, आप एडवर्टाइज कर देते हो, आप न्यूज़पेपर में यू एडवर्टाइज ऑन ऑनलाइन ऑन योर वेबसाइट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वैकेंसीज है इस पोस्ट पे, तो आप इफ़ यू सीम एलिजिबल, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, इफ़ यू डू सीम एलिजिबल डू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा, एंड देन यू आर फाइनली सिलेक्टेड। सो दिस इज एडवर्टाइजिंग। फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आइडिया होगा कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन करती है, पर्टिकुलरली लेट्स सपोज हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे यू हैव टू क्रिएट अ प्रोफाइल। आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो एम्प्लॉयर वहाँ जाके ऑन दोज एजेंसीज लुक फॉर द सूटेबल कैंडिडेट्स और उनसे फिर वो कम्युनिकेट करते हैं वेदर यू डू वांट टू वर्क विद अस और नॉट, और एम्प्लॉयर को थोड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज दे आर हायरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट भी रन करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सो दिस इज अनदर थिंग। नाउ प्लेसमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल बॉडीज हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस विच प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द एंटरप्राइज फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। लेट सपोज आई एम स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन न्यू, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई डोंट नो हु कैन हैंडल द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हु कैन मैनेज द फाइनेंस डिपार्टमेंट, आई एम गुड एट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सो वट वट आई डू इज टू बेसिकली कॉन्टैक्ट अ प्लेसमेंट एजेंसीज टू गिव मी द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर अकाउंटिंग एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोली है, मेरे को आता ही नहीं है अकाउंटिंग और फाइनेंस, तो मैं प्लेसमेंट एजेंसी वालों को बोलूँगा मेरे को बेस्ट बंदे दे दो जो अकाउंटिंग और फाइनेंस मैनेज कर लें, आप उनको रिक्रूट और सिलेक्ट करके मेरे पास भेज दो। मुझे नहीं आइडिया तो मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता कौन होगा मेरे लिए बेस्ट। तो ई दीज एजेंसी स्पेशलाइज इन द सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज सच एज ट्रेन कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो जैसे मैंने बोला कि अकाउंटिंग की भी बात करा जाए तो इन लोगों को ज़्यादा एक्सपर्टीज रहती है कि कैसे किसको लेना है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप सबको समझ में आ गया हो कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है और हाउ दे डिफर फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, यू नो फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि न्यू इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड, न्यू इन्फ्यूजन, जैसे कि कोई नया आ रहा है काम करने तो आपको उन्हें एक नई स्पिरिट आती है ऑर्गेनाइजेशन में, ओके देर इज समवन न्यू। सेकेंड, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है बिकॉज जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे थे इंटरनली उन्हें अब कॉम्पिटिशन मिलेगा बाहर से, कॉम्पिटिशन मिलेगा तो दे हैव टू बकल अप एज वेल, उन्हें भी अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए यू नो दैट्स अनदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, राइट? और यू नो यू कैन गेट अ वेराइटी डाइवर्सिफाई पूल ऑफ कैंडिडेट्स। आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, नॉट पर्टिकुलरली टू समवन। आप जैसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हो तो आपको पता है कि ये मेरा एम्प्लॉय एसी में ही स्पेशल है, तो हम इनसे पूछ लेते हैं वेदर दे कैन हैंडल द वर्क, सो मे बी दे आर एबल टू हैंडल दैट वर्क बट नॉट वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली। बट इफ वी आर हायरिंग द एक्सपर्ट्स वी आर गेटिंग दैट जॉब डन ईजिली एंड बेटर, राइट? सो दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। और यू नो आफ्टर
देर आर फ्यू अदर रिक्रूटमेंट ऑल्टरनेटिव एज वेल, ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली भी होता है. नाउ अब आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी दिखने लगे, आपको ऑनलाइन एजेंसी दिखने लगी. देर आर वेरी मेनी साइट्स लाइक से यू नो नौकरी डॉट कॉम, मॉन्स्टर डॉट कॉम, जो पहले नहीं होती थी. लेट्स सपोज डिकेड अगो देवर नो साइट्स लाइक नौकरी डॉट कॉम, मॉन्स्टर डॉट कॉम. सो नाउ देर आर मेनी प्लेटफॉर्म वेर यू कैन क्रिएट अ प्रोफाइल एंड एन एम्प्लॉयर कैन यूजली लुक थ्रू द प्रोफाइल मेंशन ओवर देयर. लिंक्डइन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल एंड दे कैन हायर यू अकॉर्डिंगली, दे कैन कॉन्टैक्ट यू, हायर यू. सो दैट्स अनदर केस. सोशल मीडिया हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एज वेल, वेबसाइट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एज वेल. सो दीज आर फ्यू ऑफ द चेंजेस इन द रिक्रूटमेंट. नाउ हम थोड़ा सिलेक्शन पे भी बात कर लेते हैं. सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन जैसे मैंने बोला इज अ नेगेटिव प्रोसेस. आपने रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर लिया, आपने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया. जॉब के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई करा बट सीट्स तो बहुत कम है. सिलेक्शन में क्या है? सिलेक्शन में बहुत लोगों ने अप्लाई कर लिया रिक्रूटमेंट में, उनमें से आपको कुछ 10 12 15 लोग 20 लोग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे एक भी है वो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोग लेना है. तो कैसे आप कर सकते हो, यू नो हाउ यू कैन वीड आउट द कैंडिडेट्स विच यू डोंट रिक्वायर. यू कैन हैव एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन देखे होंगे कि यू नो रिक्रूटमेंट के लिए बैंकिंग एग्जामिनेशन में वहाँ पे यू नो पहले एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन यू आर फाइनली सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. तो टेस्ट में, प्रीलिम्स में, लेट्स सपोज हम बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, फिर वो निकलते हैं इन प्रीलिम्स, फिर मेंस में निकलते हैं, और फिर फाइनली इंटरव्यू से निकलते हैं. और जो लोग सिलेक्ट होते हैं दे आर सिलेक्टेड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में. रिक्रूटमेंट में सबने अप्लाई करा, जो प्रीलिम्स में भी थे उन्होंने भी अप्लाई करा. सिलेक्शन में जो फाइनली इंटरव्यू जिनका क्लियर हुआ वही सिलेक्ट हुए. सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. आई होप यू नो ऑल ऑफ दिस इज प्रीटी मच क्लियर कि रिक्रूटमेंट क्या है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है. एंड यू नो विद दिस विल फिनिश यूनिट 6. एंड एज आई सेड, इफ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लीव अ लाइक फॉर द सेशन. एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, आपको कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि वी हैव दिस पर्टिकुलर डाउट और क्वेरी. तो आप वहाँ पे मेंशन करो तो आई गेट टू नो कि दिस इज वॉट इज ट्रबलिंग यू. सो आई ट्राई टू कवर अबाउट दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो एज वेल. मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर यू नो विल टॉक अबाउट दैट और यू नो रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, वो चीज़ जरूर कर दूंगा. एंड यू नो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड टैलेंट ब्लेजर की ऐप भी डाउनलोड कर लो, बिकॉज यू नो गूगल प्ले स्टोर पे वहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट है आपको प्ले स्टोर पे वो ऐप डाउनलोड करने के लिए. बिकॉज आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट जरूरी है टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन, बहुत जरूरी है. सेकेंड, मॉक टेस्ट के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, नॉट ओनली ऑफ कॉमर्स और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए भी आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो जो कॉमर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर किसी और पेपर टू के प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, अनदर सब्जेक्ट. तो आप प्रिपेयर करो और यू नो विद द हेल्प ऑफ द टैलेंट ब्लेजर ऐप और अपने फ्रेंड्स में डू शेयर विद दैट एज वेल. सो दिस इज ऑल फॉर द यूनिट 6 एंड दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर इन दिस जर्नी. माई नेम इज गौरव एंड आई एम साइनिंग आउट. And please do join for the next video as well, where we'll start with the new unit. And certainly, if you have anything to ask, do mention in the comment section. And if you haven't liked the video, please do leave a like. And if you haven't subscribed to the channel, do leave a sub to the channel as well. And so we'll meet in the next video. And thank you for joining.